रावण के सामने आते ही माँ सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थी। रामायण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसे घर घर में पढ़ी जाती है। इस धर्म ग्रंथ के पुस्तक को भी भगवान की मूर्ति समझकर आदर दिया जाता है और इसे लाल कपड़े में पवित्र स्थान पर रखा जाता है। इसके पूजा पाठ भी खूब मन लगाकर किया जाता है। खासकर तुलसीकृत रामायण को तो कम पढ़े लोग और वृद्धा स्त्रियां तक पढ़ लेती हैं और इसका दैनिक पूजा पाठ करती हैं। इसके सुंदर कांड वाले हिस्से का सबसे ज्यादा पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया गया है। लोग इसे सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। रामायण के अनुसार माता सीता के अनेक रोचक आख्यान हैं। उन्हीं रोचक कहानियों में से एक घटना अत्यंत यादगार है और रहेगी, जिसमें यह होता था कि जब भी रावण माता सीता के निकट आता था, या यूं कहें कि रावण को जब भी माँ सीता अपने सामने देखती थी तो उस पर नजर पड़ते ही वह अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। आइए जानते हैं इसके पीछे का सच। सीता हरण के बाद जब दुष्ट रावण माता सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा था, तब वह वटवृक्ष के आंचल में बैठकर केवल अपने प्राण प्रिय श्रीराम का चिंतन मनन किया करती थी। रावण समय समय पर सीता के निकट आकर उन्हें डराता धमकाता था, परंतु वह मौन धारण कर लेती थी। हद तो तब हो गई थी जब रावण ने श्रीराम का वेश बदल कर माता सीता को ठगने की नापाक कोशिश की थी, परंतु वह सफल नहीं हो सका था। यही नहीं, रावण की पत्नी मंदोदरी, जो कि एक अच्छी नारी थी, उसने तक जब रावण से अपने शयनकाल में पूछा कि जब आप राम के वेश में सीता के पास गए तो क्या हुआ, तब रावण ने उसे बताया कि उसे तो उस वक्त सीता दिखाई तक नहीं दी। रावण अपनी तमाम शक्तियां लगा दी थी सीता के लिए, किंतु जगजननी जो तीनों लोगों की स्वामिनी हो, उसे भला उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैसे कुछ कर सकता था। फिर रावण भला क्या चीज था माता सीता के दिव्य शक्ति के सामने। लेकिन लंकापति रावण का अहम भी कहां शांत होने वाला था, और फिर भी सीता के पास जाता था। और एक बार उसने उन जगजननी से यह पूछा कि मैं तो तुमसे मंद मंद संवाद का प्रयास करता हूं, परंतु तुम कैसे स्त्री हो कि तुम मेरे सामने आते ही मुझे देखते ही घास का तिनका उठाकर सिर्फ उसी को घूरने लगती हो। क्या तुम्हारे लिए इस घास के तिनके का राम से भी ज्यादा महत्व है? रावण के किए गए सवाल को सुनकर माता सीता मौन हो जाती हैं और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन कष्टदायी क्षणों में माता सीता उन सुखदायी अवसरों को याद कर रही हो जब प्रभु श्री राम से मंगल परिणय के उपरांत वे अयोध्या में सज धज कर दुल्हन बनकर गई थी और उनका खूब आदर सत्कार हुआ था। विवाहोपरांत माता सीता का उत्सवी माहौल में अयोध्या में राम के साथ गृह प्रवेश हुआ था। उस वक्त एक चिरस्मरणीय घटना घटी, जिसमें सीता के हाथ में तिनका उठाने के रहस्य का पर्दा उठता है। हुआ यह था कि उस समय की परंपरा के अनुसार जब कोई नई नवेली दुल्हन पहली बार अपने पति के साथ ससुर के घर में आती तो उसके अपने हाथों से कुछ मिष्टान्न पकाकर पूरे परिवार को खाने के लिए परोसा जाता था, ताकि उस परिवार में सदैव आपसी मिठास बनी रहे। सीता ने उस दिन मीठा खीर का पकवान बनाया और राजा दशरथ, सभी रानियां, राम के सभी भाई और सभी ऋषि मुनियों सहित सभी लोगों के पत्तल में खाने को परोसा। परंतु यह क्या, खाते वक्त अचानक से तेज हवा के झोंके आने शुरू हो गए और सभी अपने पत्तल को बचाने में व्यस्त हो गए। इससे पहले कि सीता को कुछ सूझता, तभी राजा दशरथ के पत्तल में खीर के ऊपर घास का एक छोटा सा तिनका कहीं से आ गिरा। सीता के नजरों से वह तिनका नहीं बच सका, परंतु वह दशरथ के खीर में अपना हाथ कैसे लगा सकती थी। तब उन्होंने दूर से ही संकल्प पूर्वक कड़ी नजरों से उस तिनके को घूरने लगी जो दशरथ की खीर में था। सीता की नजर पड़ते ही वह तिनका जलकर राख का एक बूंद भर रह गया। सीता तो समझ रही थी मुझे ऐसा करते कोई नहीं देख रहा है, लेकिन राजा दशरथ चुपचाप सब देख चुके थे। उन्होंने अकेले में सीता को अपने निजी कक्ष में बुलाया और कहा कि आपकी दिव्य शक्ति को मैं पहचान चुका हूँ, आप स्वयं जगत माता हो, पर आप मेरी एक बात जरूर मानो कि आप अपने वास्तविक दुश्मन को भी उस कड़ी नजर से मत देखना जिस नजर से आज आपने उस तिनके को देखा। दोस्तों, यही कारण था कि दशरथ के कहे गए वचनों को याद करके सीता रावण के सामने आते ही घास के तिनके को उठा लेती थी, क्योंकि सीता के पास अतः दिव्य शक्तियां थी। वह अगर चाह जाती तो रावण जैसे दुष्ट को सिर्फ अपनी एक तीखी नजर से ही भस्मीभूत कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह वचनबद्ध थी। उन्होंने दशरथ जी को ऐसा न करने का वचन दे रखा था। सीता की घास के तिनके उठाने वाली कहानी पर आपकी क्या सोच उठती है, कृपया जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।